हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन धाकण। वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत का निबंध, जो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए और 9 वाले बच्चों के लिए और 11 और 12, मतलब कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। महाकवि कालिदास या मम प्रिय कवि, मतलब इन दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है। आप महाकवि कालिदास का आएगा तो भी आप ये निबंध लिखेंगे, या मम प्रिय कवि आएगा तो भी आप ये निबंध लिख सकते हैं। चलिए निबंध शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। इसका हिंदी में अनुवाद ही होगा कि महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास मम मतलब मेरे, प्रिय मतलब प्रिय, कवि अस्ति मतलब है महाकवि कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। सह संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति, मतलब कि वह या वो संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि हैं। यादृश रस प्रवाह कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशा अन्यत्र नास्ति, मतलब ये है कि जैसा रस का प्रवाह कालिदास के काव्यों में है वैसा दूसरे स्थान पर नहीं है। सह कवि कुल श्रोमणि अस्ति, यह कवियों के कुल के श्रोमणि है। कालिदासेन त्राणि नाटकानि, कालिदास के ने 3 नाटक, कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम या अभिज्ञान शाकुंतलम। चा मतलब कि मालविकाग्नि, विक्रमवर्षीय और अभिज्ञान शाकुंतला द्वे महाकवि, दो महाकाव्य, मतलब द्वे महाकाव्य मतलब दो महाकाव्य लिखे, रघुवंशम और कुमार संभवम। चा दुई गीति काव्य, दो गीता गीति काव्य भी लिखे हैं जिनमें आता मेघदूतम और ऋतु संगारम। चा रचितानि कालिदासस्य लोकप्रियता कारणम तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास की जो लोकप्रियता है उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? उनकी जो प्रसाद गुण, मतलब वैसे बेसिकली भाषा में देखा जाता है, आप गुण होते हैं ना, माधुर्य गुण तो प्रसाद गुण, तो इसमें उनका प्रसाद गुण है। और शैली जो है वो ललिता है, जैसे व्यंजना शैली होती वैसे ही करके, तो शैली और प्रसाद गुण होते हैं ना, वैसे इनके प्रसाद गुण हैं और ललित शैली है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और प्रसिद्ध हैं, इनकी प्रसिद्धि का कारण है। कालिदास प्रकृति चित्रम अतिरम्यम अस्ति, कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया बहुत ही रम्यण है, मतलब सुंदर है, अच्छा है। चरित्र चित्रण कालिदास से अतीव पटु अस्ति, चरित्र चित्रण में कालिदास जी बहुत चतुर है, मतलब कालिदास ने बहुत अच्छे तरीके से चरित्र का चित्रण किया हुआ है। जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतला देख लो, चाहे रघुवंशम देख लो, इन्होंने बहुत अच्छा चरित्र चित्रण करा है, जो भी राजा महाराजा रानी उनका। कालिदास प्रकृति चित्रण अति रम्यम अस्ति, कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण करा है बहुत ही रम्यक है, मतलब बहुत अच्छा है। चरित्र चित्रण कालिदास अति पटु अस्ति, चरित्र चित्रण करने में कालिदास काफ़ी चतुर है, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने चरित्र का चित्रण किया, चाहे वो जैसे आप देख सकते हैं मेघदूत में, रघुवंशम में, अभिज्ञान शाकुंतला में राजा महाराजाओं को उन्होंने बहुत अच्छा चित्र वर्णन करा हुआ है। कालिदास से महाराज विक्रमादित्य सभा कवि अस्ति, कालिदास जो है महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अनुमयते यतश्च जन्मभूमि उज्जैन आसीत, अनुमान है कि इनकी जो जन्मभूमि थी वो उज्जैन थी। मेघदूते उज्जैनिया भव्यम वर्णम विद्यते, मेघदूत में उन्होंने उज्जैन नगरी का बहुत ज़्यादा भव्य वर्णन किया हुआ है। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमत्य अभाव अस्ति, मतलब कालिदास की जो रचनाओं में कृत्रिमता का अभाव है, मतलब कृत्रिमता मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं दिखती, सब नेचुरल लगता है। कालिदासस्य उपमा प्रयोगे अपूर्वः अतः साधुच्यते उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा का जो प्रयोग बहुत अनोखा, मतलब उनकी उपमा मतलब उनका जो तुलना है वो किस तरीके से है कि इसलिए, मतलब कैसा कहा उपमा कालिदासस्य की, मतलब कि कालिदास की उपमा ही सर्वश्रेष्ठ है, मतलब उपमा कालिदासस्य, कालिदासस्य ही उपमा है, तो इस तरह से उनका वर्णन है। तो इस निबंध को आप लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, और हम यही कामना करते हैं कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलें। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।